काव्य का लक्षण और उसकी परिभाषा। काव्य का लक्षण प्रस्तुत करने से पहले यह आवश्यक है कि वह अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से दूर हो, यथासंभव संक्षिप्त हो, सुबोध हो और ऐसी पारभाषिक शब्दावलियों से रहित हो जो व्याख्या की अपेक्षा रखते हों। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण प्रस्तुत करने का प्रारंभ से ही प्रयास हुआ है। संस्कृत के काव्य शास्त्र में जिन विद्वानों के मत हमें मिलते हैं उनका थोड़ा सा विवरण हम प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले भामह को लेते हैं। उनके अनुसार शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का सहित भाव काव्य कहलाता है। इनका यह लक्षण केवल काव्य पर घटित नहीं होता, प्रत्येक प्रकार के सार्थक कथन पर, लोकवार्ता, शास्त्र कथन आदि पर भी घटित होता है। शोभित शब्द और अर्थ का समन्वय काव्य कहता है, निसंदेश यह परिभाषा स्पष्ट नहीं है। इसके बाद हम दंडी की परिभाषा को देखते हैं। दंडी कहते हैं, शरीरम तावत इष्ट अर्थ व्यवचिन्ना शब्दावली, अर्थात इष्ट अर्थ से परिपूर्ण शब्दावली काव्य का शरीर है। इष्ट अर्थ से तात्पर्य अलंकार, अन्य आह्लाद लिया जा सकता है। इस कथन में काव्य शरीर का स्वरूप प्रस्तुत करता है। इसमें भी काव्य का लक्षण मान लिया जाए तो एक दोष यह है कि काव्य का शरीर पदावली नहीं है, बल्कि वाचक शब्द और वाच्यार्थ दोनों का समन्वित रूप है। इसमें दूसरा दोष यह है कि इष्टार्थ शब्द व्याख्या की अपेक्षा रखता है। इसके बाद हम वामन के मत को देखते हैं। वामन कहते हैं, काव्य उस शब्दार्थ को कहते हैं जो दोष रहित हो तथा जिसमें गुण नित्य रूप से और अलंकार अनित्य रूप से विद्यमान हो और इसकी आत्मा रीति है। अगर हम इसको देखते हैं तो रीति शब्द व्याख्या की अपेक्षा रखता है और काव्य के अधिकांशतः बाह्य पक्ष का ही ये द्योतक है। इसके बाद हम आनंदवर्धन की परिभाषा को देखते हैं। आनंदवर्धन कहते हैं, शब्दार्थम शरीरम तावत काव्यम ध्वनिर आत्मा काव्यस, काव्य उस शब्दार्थ रूप शरीर को कहते हैं जिसकी आत्मा ध्वनि अर्थात व्यंग्यार्थ है। यद्यपि यह लक्षण काव्य के आंतरिक तत्व को, जिसे ध्वनि ये मानते हैं, तो उस आंतरिक तत्व ध्वनि की ओर सर्वप्रथम संकेत करते हैं, लेकिन स्वयं ध्वनि शब्द अत्यंत व्याख्या अपेक्षी है, यानी ध्वनि शब्द व्याख्या की अपेक्षा रखता है। मम्मट कहते हैं, तद दोषौ शब्दार्थौ शगुणाव अनअलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित और गुण तथा अलंकार सहित शब्दार्थ का नाम काव्य है। कहीं कहीं अलंकार के स्फुट न होने पर भी दोष रहित और गुण सहित शब्दार्थ को काव्य कहा जाता है। उनके अनुसार काव्य में निर्दोषता और सगुणता अनिवार्य तत्व हैं और स्फुट सालंकारता वैकल्पिक तत्व। इस लक्षण पर विश्वनाथ ने तीनों विशेषणों पर आक्षेप किए। विश्वनाथ कहते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात ऐसा काव्य जिसकी आत्मा रस है काव्य कहलाता है। यहाँ रस से तात्पर्य रस भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता और भाव शांति है। यह सत्य है कि काव्य का बहुभाग इन आठ तत्वों में समाविष्ट हो सकता है, फिर भी काव्य का पर्याप्त भाग ऐसा बच जाता है जो कि रस को शास्त्रीय परिधि में समाविष्ट नहीं हो पाता है। अतः यह लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित है। इसमें दूसरा दोष यह है कि रस शब्द भी रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि की तरह व्याख्या की अपेक्षा रखता है। इसमें तीसरा दोष यह भी है कि रसात्मक वाक्यम
अर्थात पद समूह को काव्य कहना उचित नहीं है, क्योंकि रसात्मकता की स्थिति पद समूह में नहीं हो सकती। शब्दार्थ में अर्थात शब्द और उसके अर्थ यानी वाचक और वाच्य के समन्वित रूप में ही हो सकती है। जगन्नाथ काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात वह शब्द जो रमणीयता का प्रतिपादक है काव्य है। रमणीयता शब्द न केवल रस का अपितु काव्य के किसी भी तत्व ध्वनि गुणीभूत व्यंग अलंकार रीति वक्रोक्ति से प्राप्त आनंद आह्लाद चमत्कार आदि सबका वाचक है। इस प्रकार रमणीयता शब्द रस के अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। इसके अतिरिक्त यह रस के समान रस की तरह परिभाषा की भी अपेक्षा नहीं रखता है, यह व्याख्या की भी अपेक्षा नहीं रखता है। फिर भी इस लक्षण में एक दोष है कि काव्य में रमणीयता का प्रतिपादक केवल शब्द नहीं हो सकता, बल्कि शब्द और अर्थ दोनों का समन्वित रूप ही रमणीयता का प्रतिपादक हो सकता है। अतः यदि इस लक्षण को संशोधित करके हम इस तरह कहें, रमणीयता प्रतिपादक शब्दार्थौ काव्यम, अर्थात रमणीयता का प्रतिपादक शब्द और अर्थ का समन्वित रूप काव्य कहलाता है, तो यह अपेक्षा यह लक्षण कुछ ज़्यादा उचित माना जा सकता है। अब हम हिंदी काव्य शास्त्र में काव्य के लक्षण किस तरह से प्रस्तुत किए गए हैं उनका वर्णन करते हैं, उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र में यूं तो संस्कृत काव्य शास्त्र का ही अनुकरण किया गया है, लेकिन कुछ स्वतंत्र रूप से भी विचार आए हैं। उनमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद आदि के नाम लिए जा सकते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्पष्टता यह कथन कविता का लक्षण ना होकर उसकी दो विशेषताओं की ओर ही संकेत करता है, चमत्कार और आनंद। आचार्य शुक्ल कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त दशा ज्ञान दशा कहती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। अभिप्राय यह है कि मानव वाणी हमारे हृदय को निजत्व तक पहुंचाती है, उसे काव्य कहते हैं। स्पष्ट है कि इस कथन में हृदय की मुक्त अवस्था और रस दशा ये दोनों शब्द पारिभाषिक हैं और व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं। डॉक्टर नरेंद्र कहते हैं कि रमणीय अनुभूति, उक्ति वैचित्र और छंद, इन तीनों का समंजित रूप कविता है। इसी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए वो कहते हैं, वाणी के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति का नाम काव्य है, अर्थात सरस शब्दार्थ का नाम काव्य है। इस तरह से अगर हम पूरी हिंदी और संस्कृत की परिभाषाओं का, इन विद्वानों के मत का विश्लेषण करते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रमणीयता का प्रतिपादक शब्द और अर्थ का समन्वित रूप काव्य कहलाता है। रमणीयता प्रतिपादक शब्दार्थो काव्यम। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी काव्य के लक्षण कहे गए हैं। इनमें सबसे पहले हम प्लेटो को लेते हैं। प्लेटो कहते हैं कि भौतिक पदार्थ सत्य की अनुकृति है और काव्य इस अनुकृति की अनुकृति है, अतः यह अनुकरण का भी अनुकरण होने के कारण त्याज्य है। प्लेटो का यह कथन काव्य शास्त्रीय दृष्टि से नहीं कहा गया था, बल्कि कविता को आदर्श राज्य से बहिष्कृत करने के उद्देश्य से लिखा गया था, इसलिए इस धारणा पर विचार करना ज़्यादा उपयुक्त नहीं होगा। हम अरस्तु के विचारों का यदि इसमें विश्लेषण करते हैं,
तो अरस्तु कहते हैं कविता का लक्षण प्रस्तुत करते हुए, कविता एक कला है, कला प्रकृति का अनुकरण है। महाकाव्य त्रासदी और कॉमेडी आदि सामान्य रूप में अनुकरण के ही प्रकार हैं। इस तरह अरस्तु के अनुसार काव्य कला वाणी के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। इनकी परिभाषा में प्रकृति और अनुकरण ये दोनों शब्द व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं। यहाँ प्रकृति से तात्पर्य दोनों रूपों बाह्य जड़ जगत पर्वत नदी पशु पक्षी आदि और अंतर जगत मानव स्वभाव काम क्रोध भावनाएं आदि की समष्टि की जा सकती है। और अनुकरण का अभिप्राय यहाँ ऐसे पदार्थ से लिया जा सकता है जिसका मूल का पुनरुत्पादन, जीवन का पुनर्सर्जन या कलात्मक या भावात्मक पुनर्सर्जन। क्योंकि कवि बाह्य सृष्टि द्वारा मन पर जो प्रभाव पड़ते हैं उन्हें अपनी कल्पना के द्वारा पुनः सृजित करता है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार काव्य या कला की परिभाषा है जीवन और जगत का कल्पनात्मक पुनः सर्जन। ड्राइडन कहते हैं काव्य रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। स्पष्ट है कि यह कथन भी अरस्तु की परिभाषा पर ही आधारित है। अंतर बस इतना है कि इसमें भाषा के दो विशेषण जोड़ दिए गए हैं, रागात्मक और छंदोबद्ध। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कविता शांति के क्षणों में स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है। वर्ड्सवर्थ की इस प्रसिद्ध परिभाषा में दो दोष हैं। इसमें स्मृत शब्द अस्पष्ट है, कविता वास्तव में भाव का स्मरण नहीं बल्कि पुनः सर्जन है। संभव है वर्ड्सवर्थ का आशय हो कि अनुभूत भावनाओं का स्मरण फिर से शब्द अर्थ के माध्यम से संग्रह करना, मूर्तिमान करना कविता है। परंतु रिक्लेक्टेड शब्द इस व्याख्या के बिना अस्पष्ट है। वस्तुतः कविता भाव का स्मरण मात्र नहीं है, भाव की अभिव्यक्ति है। कविता को प्रबल मनोवेगों का उच्छलन कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आंसू कंपन आदि भाव उच्छलन की अनेक विधियां हैं पर उन्हें कविता नहीं कहा जा सकता। कॉलरिज की एक परिभाषा है कॉर्लाइल की, वो कहते हैं काव्य संगीतपूर्ण विचार को कहते हैं। इसमें यह दोष है कि केवल दो ही तत्वों को बुद्धि तत्व और संगीत तत्व की ओर संकेत इन्होंने किया है। इसमें संगीतात्मकता तो छंद के समान काव्य का वैकल्पिक धर्म है ही, और इस लक्षण में काव्य के अन्य तत्व भाव कल्पना आदि की उपेक्षा की गई है, इसलिए यह लक्षण भी अपूर्ण है। इस प्रकार हम ऐसा सोच सकते हैं, निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति को ही काव्य कहते हैं।